Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुरु जी के इरादों पे फेर दिया है अहिल्या ने पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक तरफ द्वारिका ने उस मोहरे को अपनी तरफ करने की कोशिश की है जो खंडेराव के बहुत करीब है, वो दूसरी तरफ से आई एम वेरी श्योर कि द्वारिका ने गुरु जी को भी बोला होगा कि इसको मैं इधर करती हूँ, तुम मेरे जो पति हैं मल्हार राव होलकर हैं उनके करीब जाने की कोशिश करो, उनका दर्द बंटाओ यानी कि दर्द बांटो, है ना। तो अगर ऐसे टाइम पे जो दुखी इंसान होता है उसको अगर कंधा कोई पेश करता है तो उस कंधे पे वो रोना चाहता है, अपना दुख जो है हल्का करना चाहता है, तो वो कंधा लेके कौन पहुंचे है? गुनु जी। जी हाँ, एक सांप पहुंच गया है वहां पे। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गुनु जी बात कर रहे हैं मल्हार राव होलकर से और चुगली कर रहे हैं खंडेराव की। पहली बात तो यही बात हजम नहीं होगी कि मल्हार राव होलकर गुनु जी से ये बातें सुन रहे हैं। एनीवेज हम मान के चलते हैं कि मल्हार राव होलकर ने सुना, क्योंकि उस समय वो किसी से बात करने के मूड में नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। एक ऐसा झटका उनको खंडेराव ने दिया है कि उनकी सारी खुशियों पे पानी फिर गया है और उनको लगता था कि खंडेराव सुधरेंगे, मगर खंडेराव पहले से भी बिगड़ के वापस आए हैं। अब ये बात जब उनके दिल में है तो गुनु जी उनके दिल पे मरहम लगाने का काम करते हैं और खंडेराव के खिलाफ बातें करते हैं कि ऐसे भी कोई बेटा होता है वगैरह वगैरह जो भी वो करते हैं, मगर ये बात अहिल्या सुन लेती है। और अहिल्या आके पहली बार जो मैंने देखा है कि डायरेक्टली गुनु जी को बोलती हैं, पहले कभी अहिल्या इस तरह से नहीं बोली है, बिल्कुल सामने से बोलती है कि गुनु जी भाई जो भी आप हो, मतलब जैसे भी उसने बोला कि आप दरार को भरने की जगह उसको और ज्यादा बड़ा कर रहे हो, तो ये तो आपको नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा, उनको थोड़ी पता अहिल्या को कि ये क्या स्कीम बनाते हैं, इनका क्या है इरादा, मगर वो ये बात जरूर भाप गई है कि ये बाप बेटा में सुलह नहीं करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मल्हार राव होलकर और खंडेराव के बीच में दरार बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। और जो गौतमा ने कहा है कि छोटी सी चूक जो है बहुत बड़ा भवाल कर सकती है, और वो भवाल जो है उसी से बचना चाहती है अहिल्या, बचाना चाहती है सबको, इसलिए वो गुरु जी को सीधा सीधा कहती है कि दरार बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए अगर आप उसको कम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो अहिल्या ने कहा है, अब धीरे धीरे अहिल्या और ज्यादा सामने आना शुरू हो जाएगी, और जो अहिल्या से ये पहले इसलिए डरते थे क्योंकि कभी न कभी कैसे भी करके अहिल्या बचा लेती थी, ढाल बन जाती थी, अब तो अहिल्या खुद रानी बन चुकी है, अधिकारों का पता है, कानून उसको पता है, अब तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है इस बाप बेटा के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए यानी कि द्वारिका के लिए भी। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।